अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। और इसके सबसे पहले जो मेन इसका काम होता है वो इसकी डो बनाना होता है। तो चले चलते हैं पहले इसकी डो की तरफ। तो उसके लिए एक बाउल ले लिया जिसमें मैंने गर्म पानी डाला है हाफ कप और एक चौथाई कप मैंने डाला है मिल्क। इसके बाद मैं डालूंगी चीनी एक बड़ा खाने का चम्मच और हमीर होगा 3 चाय के चम्मच। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है और इसको 10-15 मिनट्स के लिए कवर करके एक साइड पर रख देना है। इसके बाद इसके जो ड्राई आइटम्स हैं वो हम तैयार करेंगे। उसके लिए 3 कप मैंने मैदा ले लिया, उसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया और 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया और इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने जो मटेरियल तैयार किया था लिक्विड वाला वो इसमें ग्रेजुअली ऐड करते रहना है, एक साथ ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसको नीडिंग पोजिशन में लेके आना है। अब इसको नीट कर लेंगे। 1 घंटे के लिए डो को रख देना है। इसके बाद इसकी हम तैयार करेंगे पिज़्ज़ा बनाना। तो मैंने इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया था और इसको एक रोटी की शेप में मैं बना लूँगी और इससे कम से कम 3 आपके पिज़्ज़ा आराम से बन जाएंगे। इसको गोल शेप में बेलने के बाद इसको सांचे में डाल देंगे और इसके बाद इसकी टॉपिंग स्टार्ट करेंगे। पहले इसको अच्छे से बैलेंस कर लेना है। इसमें हम डॉट लगा लेंगे ताकि दोनों तरफ से बेक हो जाए अंदर तक। और इसके बाद इसमें मैंने सबसे पहले डाली है पिज़्ज़ा सॉस। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ डालने के बाद मैंने चिकन टॉपिंग जो यूज़ की है वो मैंने रेडीमेड यूज़ की है। आप चिकन टिक्का घर में भी बना सकते हैं अगर चिकन हो, लहसुन अदरक का पेस्ट हो और साथ में आप दही डालें और नमक मिर्च और जो मसाले आप डालना पसंद करते हैं, टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, आप कुछ भी डाल लें। तो ये मैं उसकी टॉपिंग स्टार्ट की है। इसके बाद वेजिटेबल्स में जो भी आपके पास वेजिटेबल हो, मैंने यूज़ किया है अनियंस और कैप्सिकम, आप डाल सकते हैं, कॉर्न्स भी डाल सकते हैं और कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है बेक होने के लिए। तो इसको प्री हीटेड ओवन में रख देंगे फॉर 20-25 मिनट्स ऑन 200 डिग्री सेल्सियस। पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है और इसकी सॉफ्ट सी डो बनी थी और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। आप इस ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।